नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, बिना समय को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी कि लुसेंट सामान्य विज्ञान का पार्ट 57। आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का पार्ट 57। अगर आपने 56 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाकर के 56 पार्ट तक जरूर देखिएगा और वहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है उसमें केवल साइंस से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा। तो ये 25 क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी से सॉल्व करने के लिए ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा क्या है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आखिर होता क्या है, किसको हम लोग करंट कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि दो भिन्न विभव की वस्तुओं को, दो भिन्न विभव यानी कि किसी वस्तु का विभव निम्न है। अगर मान लेते हैं ये वस्तु है, इसका विभव जो है सो निम्न है, और एक और वस्तु है इसका विभव क्या है, उच्च है। तो कह रहा है कि दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार में जोड़ दिया जाए, यानी कि इसका विभव निम्न है, इसका विभव उच्च है, दोनों को अगर धातु के तार से जोड़ देंगे, दोनों को अगर धातु के तार से कनेक्ट कर देंगे, तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगेगा। आया समझ में आपको कि अगर दो वस्तु है, ठीक है, एक का विभव निम्न है, एक का विभव उच्च है, तो दोनों को अगर हम लोग चालक तार यानी कि धातु के तार से दोनों को कनेक्ट कर देंगे वस्तु को, तो इसमें क्या होगा कि धातु के तार से होकर के आवेश जो है सो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने लगेगी। और जनरली जो ये प्रवाहित होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसी आवेश के प्रवाह को जो कि इस धातु के तार से होकर के प्रवाहित हो रही है, निम्न से उच्च में जा रही है, तो इसी आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार में जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, किसी चालक में आवेश के इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जनरली कहा जाए तो आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि धारा, धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा जो है जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि जो चार्ज है ये चार्ज यहां से लेकर के ऐसे करके प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इधर तरफ चार्ज निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आ रही है, किंतु किंतु परंपरा के अनुसार, ये पुरानी परंपरा है, पहले कहा जाता था कि हम यह जानते हैं कि धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। धारा का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो अगर यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की, धारा का दिशा जो इधर से इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, इसके विपरीत, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। यहां से आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से आपको बन रहे हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है, तो विद्युत धारा की प्रवाह जो है सो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, और जिधर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिधर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश का प्रवाह होगा उधर ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी धनात्मक आवेश की दिशा में विद्युत धारा चलती है और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अर्थात धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। धनात्मक आवेश के
प्रवाह की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है ये, तो इसका प्रवाह किधर हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। धनात्मक प्रवाह का, धनात्मक आवेश का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, तो करंट जो है, करंट, करंट का भी प्रवाह किधर होगा, इसी दिशा में होगा। और ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिधर करंट का, करंट की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है तो करंट किधर जाएगा, करंट जो है सो इधर, करंट की दिशा उसके विपरीत दिशा में होगी। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है ये उच्च विभव, ठीक है। यहां पर आप ये देख रहे हैं ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव है और ये बैटरी का ये पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और धारा का प्रवाह जो है सो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है सो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह जो है सो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है। ये रेड कलर से दिखा रहा है वो चार्ज का, यानी कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की दिशा दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि करंट की दिशा जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश की, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, यानी कि करंट जो है, करंट उसकी दिशा भी इधर ही होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये दोनों फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, परिमाण, परिमाण एवं दिशा दोनों होने के बावजूद विद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा में परिमाण भी होता है यानी कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी है कि वह जो है सो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, हमेशा जो है सो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। यानी कि उसमें दिशा भी है और उसमें क्या होता है कि परिमाण भी है, यानी कि कितना एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है उसका परिमाण भी है। तो दोनों होने के बावजूद ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। और मैंने सदिश अदिश में आपको बताया था कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको सदिश कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होती है दिशा नहीं होती है उसे अदिश कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों होने के बावजूद ये अदिश है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यह जोर के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। इसमें क्या होता है, सदिश अदिश में सदिश जो होता है जोर का त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम दोनों नियम का पालन करना चाहिए, वही सदिश होता है। लेकिन यह क्या होता है कि परिमाण और दिशा होने के बावजूद यह जोर के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश राशि है, ठीक है। प्रायः ठोस चालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। कोई ठोस चालक है, कोई ठोस पदार्थ है, चालक पदार्थ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है सो उसमें विद्युत का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन द्रव में क्या होता है कि आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। अर्धचालक में क्या है, इसमें अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण होता है, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ठोस में, ठोस पदार्थ जो होता है उसमें, उसमें विद्युत का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। द्रव पदार्थ में आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है, और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। अब हम लोग देखेंगे कि धारा का दो प्रकार होता है। धारा जो होता है करंट वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डीसी करंट, डीसी करंट, और एक होता है एसी करंट। तो दोनों करंट के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फेज है, इधर देखिए यहाँ पर एक दिशा इधर से ये दिशा है, एक दिशा ये दिशा है, ठीक है। तो धारा का प्रवाह जो है केवल एक ही दिशा में हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लाइन से ये जो धारा है केवल एक दिशा में ऊपर है,
ठीक है, नीचे कभी नहीं आ रहा है। तो हमें हमें जो है यह इस धारा को क्या कहते हैं, हम दिष्ट धारा कहते हैं, यानी डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी कहते हैं। और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ, पहले गया ऊपर, फिर ये आ गया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आएगा नीचे, इस तरीके से धारा का प्रवाह होता है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, इसको कि हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में है तो दिष्ट धारा, एक दिशा में है तो दिष्ट धारा, और दोनों दिशा में प्रवाहित हो रहा है ऊपर नीचे समांतर क्रम में, तो उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। तो दिष्ट धारा को संक्षेप में डीसी तथा प्रत्यावर्ती धारा को संक्षेप में एसी कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, जिसको कि ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, एसी किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं। और डीसी का जो संकेत होता है वो होता है लाइन, और एसी का होता है ये। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं आप, ये एसी है और यहां पर डीसी है। ठीक है, और डीसी जो है सो बैटरी से प्रवाहित होता है, डीसी बैटरी से प्रवाहित होता है, और एसी जो है सो एसी जनित्र से प्रवाहित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी चालक तार में एक एम्पियर धारा जो प्रवाहित होती है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और किसी चालक तार में अगर एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होगी, यानी कि अगर कोई चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, तो करंट प्रवाहित किधर होगा, करंट प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, करंट प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो अगर एक एम्पियर का करंट इस चालक तार से प्रवाहित हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन इस चालक तार से प्रवाहित हो रहा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको दो फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला है कि करंट जो होता है, विद्युत धारा जो होता है, सो किसी भी चालक तार में आवेश का जो प्रवाह होता है, तो प्रति सेकेंड जितना आवेश प्रवाह होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश जो होता है सो एन ई के बराबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है इस चालक तार में, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, और यहां से उतना इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि इस चालक तार से एक एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। और ये जो डाटा है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ये कहां से आया, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या n, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, n निकालना है, और यहां पर हमको i दिया हुआ है, i कितना दिया हुआ है, एक एम्पियर, और समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, i एक एम्पियर, समय एक सेकेंड दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग अगर q बराबर आई टी होगा, इस फॉर्मूला से q बराबर कितना, आई टी, ठीक है, और q बराबर क्या होता है, एन ई, तो एन ई बराबर आई टी, यहां से एन निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आई टी बट्टा ई, यानी आई टी का वैल्यू एक एक है दोनों का, यानी एक बट्टा ई का वैल्यू जो होता है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, अब एक में इससे भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से ये इस फॉर्मूला से आपको ये इसका मान जो आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो विद्युत परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, धारा का
प्रवाह जो है सो लगातार प्राप्त करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और वह बल जो है उस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत को क्या करता है, वो चलाता है, ठीक है, विद्युत को चलाते रहता है, तो विद्युत वाहक बल कहते हैं उसको, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में EMF भी बोलते हैं। इसे विद्युत सेल या जनित्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत सेल या जनित्र द्वारा इस विद्युत वाहक बल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए, जैसे फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराने वाला हूं एग्जाम तक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।